हेलो गाइस टू द न्यू वीडियो। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि माइनक्राफ्ट, अगर आपने एमसी लीग से माइनक्राफ्ट ली है तो उसका नाम कैसे चेंज करें। दिस इज कार आसर सोका। तो माइनक्राफ्ट एमसी लीग में नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको करना है विंडोज बटन प्लस आर, यहाँ पे रन का डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा परसेंटेज एप डेटा परसेंटेज दिया। यहाँ पर ऐसा करने के बाद आपको ये फोल्डर मिलेगा। अगर आपके पास बिग ब्रेन है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास बिग ब्रेन नहीं है तो आप कुछ ऐसा कीजिएगा। तो माय कंप्यूटर या फिर धीस पीसी ओपन करने के बाद अपनी जाइए सी ड्राइव या फिर अपने आप जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया वहाँ पर जाने के बाद अपना यूज़र के बाद जो आपका यूज़र नेम है, जैसे अपने डेस्कटॉप का नाम आपने चिंटू मिंटू पिंटू कुछ भी रखा होगा, उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। डबल क्लिक ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ ऐप डेटा में। मोस्टली आपको ऐप डेटा यहाँ पर शो नहीं करेगा, तो यहाँ पर जाइएगा व्यू पे और हिडन आइटम को ऐसा करके टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको ओपन करना है ऐप डेटा, ऐप डेटा के बाद रोमिंग के बाद माइनक्राफ्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप जाइएगा प्रोफाइल पे यहाँ पर अपना डिस्प्ले नेम, यहाँ पर जो आपको दिखेगा डिस्प्ले नेम इसके सामने पर उसको जाकर चेंज कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम बंटी है, मान लीजिए जैसे मैंने इसको रख दिया बंटी। तो यहाँ पर हम लोग ओपन करेंगे माइनक्राफ्ट ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नाम चेंज होता हुआ दिख जाएगा बंटी। तो इस तरह से आप अपने माइनक्राफ्ट, अगर आपने एमसी लीग से, रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर आपने एमसी लीग से लिया है तो यहाँ पर अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एमसी लीग से नहीं लिया तो आप अपना नाम चेंज कर पाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस से मे बी शायद तक वो काम ना करे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो पे। वीडियो अच्छी होगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, वरना ये दिख रहा है क्रिपर।